शिमला की बात करते हैं, जहां के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 10 दिवसीय सरस मेले का आगाज हुआ। मेले में स्वयं सहायता समूहों की तरफ से निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। मेले का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मेले में 13 प्रदेशों समेत हिमाचल के कई जिलों के स्वयं सहायता समूह शामिल हुए हैं और हिमाचल की महिलाओं ने जो उत्पाद बनाए हैं उन्हें मार्केट नहीं मिलता था, अब इस मेले के माध्यम से उन्हें अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को उचित मंच प्रदान करने के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेला जिसको आप एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, वो शिमला के रिज मैदान पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला का प्रथम देव कम्प्लेक्स का हिस्सा है उसमें जो है ये आयोजित की गई है। ये हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई है और इसमें शिमला ज़िला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 13 अन्य प्रदेशों से भी इसमें जो हैं वो जो घरों में काम करने वाले लोग हैं और उन प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो यहाँ पर ये स्टॉल्स 10 दिन तक जो हैं वो चलाएंगे। मुख्य रूप से घरों में खास करके जो कृषि पर निर्भर जो हैं वो लोग हैं